पैसिफिक मास्टर्स गेम्स जो कि 5 से लेकर 15 तारीख तक पेनांग में हो रहा है मलेशिया में। इसमें भारतीय टीम में 156 लोग हैं जिसमें करीब 40 महिलाएं हैं। तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिल्कुल एथलेटिक्स टीम की एज ए कप्तान मुझे बनाया गया और मेरे भी इवेंट हैं, खुद मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, तो एक साथ दोनों बहुत मैनेज करना मुश्किल होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई। मेरा इवेंट है 100-280 मीटर हर्डल्स और हाई जंप लॉन्ग जंप, और साथ में रिले अगर इंडिया की टीम दौड़ेगी तो उसमें भी मुझे पार्टिसिपेट करना है। और सबसे बड़ी बात ये, इस प्रतियोगिता में पहली बार ये एशिया में हो रहा है, इसमें करीब 28 गेम्स हैं, डिफरेंट हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, स्विमिंग, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, बुशो, ऐसे करके ये आयोजित हो रहा है। और ये 25 प्लस एज ग्रुप से है, कुछ इवेंट 25 प्लस है, कुछ 30 प्लस, और ये 100 प्लस तक है। हर 5 साल के अंतर पे एक एक ग्रुप बना हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है सभी लोगों के लिए। एज अ प्लेयर जो बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, जिनका गेम छूट चुका है, तो उनको भी एक मौका मिलता है कि वो अपने एज ग्रुप में जाएं और पार्टिसिपेट करें। इसमें पार्टिसिपेट करना तो खैर एक महत्वपूर्ण बात है ही, साथ में हम जब सीनियर प्लेयर एज अ मास्टर्स मैदान में उतरते हैं तो हमारे साथ साथ नए बच्चे, जो यंग बच्चे, वो भी मोटिवेट होते हैं और वो भी कोशिश करते हैं कि हमारे बराबरी में दौड़े, हम हमारे जैसा अच्छा करें। तो साथ में मास्टर्स प्लेयर्स का भी एक अच्छा रिस्पांस मिलता है उनको अपनी लाइफ को जीने का, जो उनके जीवन में दिनचर्या है, साथ में बहुत बीमारियां आ जाती हैं, तो एक दवा का खर्च भी कम होता है इस ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करने से, और साथ में हमारे युवा बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस एज में भी मैं वुमेन 45 प्लस एज ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, इस एज में भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा बस यही कहना है सभी से कि आप अपने सेहत का ख्याल रखें और कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हमेशा पार्टिसिपेट करें, इससे आपके जो बॉडी मूवमेंट है। नहीं, वाराणसी से हम लोग 3 लोग हैं, मैं हूँ और दीपा गुप्ता और शिव प्रकाश गुप्ता जी, वो टेबल टेनिस में हैं, दीपा जी हैं एथलेटिक्स में, इनका शॉट पुट हैमर और डिस्कस थ्रो है, वो 50 प्लस में जा रही है, और बाकी पूरे भारत से अलग अलग प्रांत से, अलग अलग जगहों से लोग हैं पूरे। ये 5 तारीख को हम लोग जा रहे हैं, फिर वापसी 15 को ख़त्म होगा, फिर जैसा भी एसोसिएशन टिकट होगा वापस आएंगे, और यूपी से करीब 5 लोग हम लोग जा रहे हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, जहाँ की पूर्वांचल को एकदम पीठा माना जाता है, स्पेशली महिलाओं को कि शादी के बाद स्पोर्ट्स में आना, हाफ पैंट पहन के दौड़ना, ये बहुत ही लोग पसंद नहीं करते, या ऐसा ट्रेंड ही नहीं है कि इस तरह की एक्टिविटी महिलाएं करें। फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, स्विमिंग है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इस तरह के गेमों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।